हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। मंडे के छुट्टी के बाद आज वीक की शुरुआत हुई है ट्यूसडे को, और पहले ही दिन निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट आई है। 300 पॉइंट की गिरावट है, और वही बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अभी ओवरऑल FII और DII का ये अगर डेटा देखे पूरे महीने का, तो अभी तक इस महीने में FII ने 26,000 का सेलिंग किया है जनवरी में, और उसके वर्सेस देखे DII की तरफ से बाइंग हुई है सिर्फ 10,000 करोड़ की। और आज 23 जनवरी को भी देखिए 3,000 करोड़ की सेलिंग की है FII ने, नेट सेलिंग है ये। तो यहाँ पर जो ग्लोबल सिनारियो है इस वक्त, थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में आप जानते ही है कि इसराइल और गाजा का वॉर चालू है, और यहाँ पर ईरान और US के बीच में भी अभी थोड़ी अनबन शुरू है। यहाँ पर कल जो है इसराइल के 24 सोल्जर एक ही दिन में मारे गए, तो वहाँ पर भी काफ़ी टेंशन भरा माहौल है। और रेड सी जो यमन के यहाँ से जाता है, वहाँ पर भी जो भी जहाज़ जा रहे हैं, जो भी शिप जा रही है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो उसके कारण अभी US और UK की कोएलिशन फोर्सेस ने अभी हाउती जो यमन के अंदर है वहाँ पर अटैक कर दिया है। तो इसके कारण मिडिल ईस्ट की सिचुएशन काफ़ी टेंस है, और यहाँ पर कुछ कुछ खबरें ऐसी आ रही है चाइना और ताइवान के बीच में भी थोड़ा टेंशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल ग्लोबल सिनारियो देखें तो अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल देखने को मिल रहा है, और इसका नतीजा ये है कि FII लगातार सेलिंग कर रहा है। लेकिन ये FII की सेलिंग के वजह से यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर भारत की बात करें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो भारत की स्थिति जो है काफ़ी मजबूत है इस समय। ये जो ग्लोबल मार्केट में एक्शन आ रहा है, इसका रिएक्शन हमें यहाँ पर ये इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो अगर आज का 5 मिनट का चार्ट देखे तो गैप अप तो ओपन हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया वहाँ पर, और वन वे टूवर्ड साउथ की तरफ आया था। जो लेवल्स आज के लिए हमने मार्क किए थे, ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करते ही इजीली अचीव हो गए फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अभी। लेकिन कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं। उसके पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है, आपको याद होगा ये जो कैंडल बनी थी 20 दिसंबर को, यहाँ पर भी हमने कहा था कि ये जो ग्लोबल सिनारियो है, ये अगर निगेटिव हो जाता है तो इसका एक्शन जल्दी से भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि FII झट से अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन भारत इस वक्त काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो DII काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बाइंग कर लेता है, तो हमें इसके बाद भी एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली। और इस रेड कैंडल के बाद, ये 20 जनवरी 20 दिसंबर का ये रेड कैंडल है, उसके बाद निफ्टी ने और भी ऊपर की तरफ नए हाइज लगाए, लाइफ टाइम हाइज। तो सेम लेवल पे ये अभी फिर से एक बार ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। तो जहाँ पर लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था, ये वो लेवल है 21,000 के आसपास। आप देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था। 21,000 के पास ही ये ब्लू कलर का लाइन आ रहा है, जो कि 50 DMA का लाइन है। तो 21,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ये अगर टूट जाता है तो यहाँ से दिक्कत हमें और भी निफ्टी में आती हुई देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये रेड कैंडल बनी है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी इस समय टेंशन भरा माहौल वहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो चलते हैं अभी 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये 60 मिनट का चार्ट है, अभी कल के लिए क्या यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। तो हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा, ये ऑब्वियसली आज के लो के नीचे होगा 21,188। उसके नीचे फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा 21,163, और सेकेंड टारगेट होगा 21,129। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा, ये लास्ट का जो रेड कैंडल है 21,313, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 21,350, और सेकेंड टारगेट होगा 21,388। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी ये 5 मिनट के चार्ट आप देख सकते हो, टोटली वन वे आज एक ट्रेंड देखने को मिला बैंक निफ्टी में। लगा था कि जो लो बनाया था ये सैटरडे के दिन, यहाँ पर ही दो लो 19 जनवरी और 20 जनवरी, यहाँ पर सेम लेवल पे लो लगाया था, तो चांसेस थे कि यहाँ से ये बाउंस बैक करे। लेकिन जो सेलिंग प्रेशर था, इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया, और जैसे ही ये लेवल टूटा 45,600 का, तो
बहुत तेजी से यह नीचे आया। तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा ही प्रेशर का माहौल देखने को मिला। अभी कल के लिए यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल होगा हमारा आज के लो के नीचे 44,862, फर्स्ट टारगेट होगा 44,763 और सेकेंड टारगेट होगा 44,648। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 45,214, फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा 45,352 और सेकेंड टारगेट होगा 45,482। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, अंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। अगर आप हमें लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ऑप्शंस और इक्विटी। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ऑप्शन के चैनल के ऊपर। और एक स्पेशल ऑफर भी है, जो शेयर मार्केट का कोर्स है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का स्पेशल, तो उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है। 2999 का ये पूरा कोर्स है, वो आपको जस्ट मिलेगा ₹999 में। तो ये एक मेगा ऑफर है आपके लिए अगर आप अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो। तो एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब का।